ये वाणी छोड़ दो, नहीं समझे, वाणी को छोड़ दो, फिर आप अपना जोर लगाओ और मैं अपना जोर लगाती हूं, एक भी मोमन परम धाम नहीं जा सकता। अब तुम ले आए हो परम धाम की वाणी, तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूं? लेकिन फिर भी ना चिंता मत करो, मैंने चार हथियार छोड़े, जहां मोमन जाता होगा ना उसके पीछे लगा दूंगी, ध्यान के साथ सुंदर से आदि सुन लो, पर उसके बिना तुम्हारा गुजारा चलता नहीं। और ये तुमको प्राणनाथ जी के चरणों से जुदा करने वाली माया की चार चीजें हैं। दिल करे तो छोड़ देना, और ना दिल करे तो प्राणनाथ जी को छोड़, एक को तो छोड़ना ही पड़े। आप जरा ध्यान के साथ सुनो, वो चार चीजें कौन सी है? एक बेईमान औरत, एक बेईमान औरत। आज जो कुछ ये शो हो रहे हैं, बस उन बातों को मंच पर कहना कोई शोभा नहीं। फिर कोई नहीं भी जाना चाहता तो माया उसके दोस्त के दिल में आके बैठ, चल यार चल, तू बाबा जी बना रहता है, हर वक्त तेरी वही मंगल आरती संध्या आरती चलती है, मैं तेरी टिकट ले आया, फ्री टिकट दे के कहेगा यार चलो। और मैं बच्चे की माँ को कह दे, अच्छा तू आज शयन आरती कर लेना, मैं जा रहा हूं, लेगी माया खींच के। ये कहते हैं एक बेईमान औरत के शो और ये सारी चीजें मैं चला दूंगी, और बाजे बजावनहार, और क्या करूंगी। और अगर उसके बस में नहीं आएगा तो महाराज आज दिन तक दुनिया में 2-in-1 तो चला ही नहीं, मैं चलाऊंगी। फिर उसके बस में कोई ना आएगा, वो तो छोटा भी है, पॉकेट में डाल के चलता फिरेगा, आश्रम में भी जाएगा तो अपने कमरे में रखेगा, खबरें सुननी, जैसे सारी दुनिया का लीडर वही है, समझे, उसकी ऐसी हालत कर दूंगा। अगर वो उसको भी नहीं लेगा तो घरों में रेडियो ला के रख दूंगी, ठीक है, उसमें सारा कुछ सुनेगा। छोटे में तो खबरें आ जाती, शक्लें नहीं आती, और रेडियो में सब कुछ आया करेगा। अगर वो भी नहीं लेगा तो मैं फिर टीवी हो रंगीन जेड सीरी, बस फिर मतलब ही नहीं गा राज्य महाराज के वास्ते कुछ बैठ के याद सुमरन करना। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, और तीसरे पढ़ने वाले इतनी साइंस बढ़ा दूंगा कि साइंस वाले कभी परमात्मा पर यकीन रखेंगे ही नहीं। चौथे जादूगर होशियार, और चौथा चमत्कारी लीला करने वाले, जादूगरी करने वाले तुम्हारे भी मोमिन तो होंगे ना, उनको इधर उधर कर दूंगा। ओपरी आ गई, ओपरी, इसमें मारूंगी मैं उनको। और जब तुमने उनको बता दिया, पंचदेव जहां खड़े, जहां राज्य महाराज की पांचों शक्तियों का तारतम ज्ञान तुमने ले लिया, वहां जंत्र मंत्र कोई ना चले हो, फिर भी उनका जो है यकीन गिर जाएगा, बच्चे के लिए फलाने के लिए उसको ओपरी हो गई, यूं मैं उनको तुम्हारे चरणों से छुड़ा लूंगी। जब कहूं पावे मोमिन, जब जहां कहूं मोमिन मिलेगा, खेचे अपनी तरफ, बस अपनी तरफ मैं उनको खेचूंगी। जिनमें ईमान असल का, स्वामी जी कहते तू भी सुन ले, जिनमें ईमान असल का होगा सो सुने ना एक हरफ, वो एक भी हरफ ना टीवी सुनेगा, ना 2-in-1 सुनेगा, ना इन चीजों के निकट जाएगा, अपने समय पे बैठ के आरती चितवन राजीव राय की वाणी में मगन रहेगा। जिनमें ईमान होगा उनको पता होगा कि ये माया के नाश केतु हथियार हैं, ये मुझे राज्य से जुदा करने के लिए ही माया ने बनाए हैं। लगा सुर फूकने, अब स्वामी जी कहते अच्छा, अब वहां से राज्य ने हुक्म दिया, ओ जबराइल असराफिल सुर फूंकते रहो, किसके, वाणी के, ताकि जहां कोई भी मोमिन हो वाणी के चर्चा सुन करके वो भाग भाग के चरणों में आ जाए। अशराफिल करनाई, कौन बजा रहा है अशराफिल करनाई, अशराफिल जबला नहीं बजा सकता, अशराफिल परम धाम की वाणी को गाता है,
असरा फील करना ही बना रहा है, उसकी वजह से ये वाणी उतरी है। सन 1090 साल तक सुन सैया दौड़ के आए, अब मोमिन सुन सुन करके दौड़ दौड़ के आ रहे उस करनाई को वाणी को। काफरों के दिल बैठ के, अब काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर है, बड़ा शोर भी क्या, बड़े जुलम भी ढाए। मोमिन उतरे अरस से, और मोमिन कहाँ से आए, अर्श से परम धाम से आए हैं। ताको चितना हुआ मरोर, उनका चित ना हुआ, कितने संकट आए। अब जब वाणी से पहचाना, फिर अपने यकीन को राज्य के चरणों में दृढ़ कर लिया। खेस कबीला कुटुंब, अब स्वामी जी कहते हैं कि ये खेस कुटुंब कबीला पत्नी बच्चे हम नहीं छोड़ सकते, यही तुम्हारे दुश्मन है, इन दुश्मनों के पास जाओ, राज्य गवा लो, यही जो है माया के हथियार हैं। सब दज्जाल को लश्कर, मैं नहीं कह रहा भाई, सब दज्जाल का लश्कर यही है। क्यों पत्नी सिर माथा दुखे से, जाओ प्रोग्राम छोड़ दो वहां जाओ, ये माया है। कभी लड़का दुखे छे तो कभी लड़की दुखे छे तो कभी आ छे तरे ता छे, यही माया के हथियार हैं जो हमें राज्य से दूर कर रहे हैं। तीन में से छुड़ाए के, अब असराफील का ड्यूटी दे, जबराइल असराफील भेज दिए दो आमर, और निगे बानी कीजियो मेरे खास से बंदो। वो जो वाणी का जोश आवेश वह है, सुन सुन करके मोमनों को उनसे छुड़ाएगी, पहुंचाए अपने घर, अपने घर लेके जाएंगे। निगहबानी जबराइल है, और निगहबानी जबराइल कर रहे करी, क्योंकि यहाँ के जोश की शक्ति ना जाके कोई इल्लत कोई विकार उसके अंदर ना बैठे। करी ऊपर रूहन, ये भी रूहन के वास्ते जबराइल खड़ा है। साफ रखे सब अंगों साफ रखता है, दिल रहे हमेशा रोशन, और दिल हमेशा रोशन रखता है, दिल में कोई इल्लत बेईमानी नहीं बैठने देता। लेकिन परम धाम की वाणी कौन गाता है, असराफील। परवर दिगारे देखिया, राज्य महाराज ने देखा, लड़ाई के बखत लड़ाई के समय में बुलाया बैतुल्ला को अध्ययन के साथ। उस दिन प्रमाण बताया था, पहले से 1100 साल पहले लिखा था कि जब मुसलमान शरीयत के लोग मोमनों को ना पहचान कर उनको सजा देंगे, दंड देंगे, क्यों शरीर को देखेंगे कि आत्म को, आत्म। तो मोहम्मद साहब ने कहा था मेरा मक्के मदीने में जो मेरी मस्जिद है उसके दो मुनारे गिर जाएंगे। ये वही प्रसंग आ रहा है कि जब मोमनों को संकट आया तो मदीने की मुनारे दो गिर गए। शाहिदी वक्त क्यामत, एक क्यामत के वक्त की शाहिदी 1100 साल पहले लिखी थी शरीयत के सिरे में, और शरीयत का जो सिरे है लिखे वसीयत नामे चार। अब ध्यान दो, शरीयत का सिरा कौन से था, औरंगजेब के काजी, उनको चार वसीयत नामे भी लिख लिख करके आए स्टंप लगा के कि ये हो रहा है। तीन में खबर क्यामत की, उसमें सब खबर क्यामत की के है। शरा के मालिक औरंगजेब, 11वीं सदी आ गई है और अल्लाह ताला जाहिर हो रहे हैं जगह जगह पर काफर करे ना विचार है। पर काफर जिनका दिल मुर्दा है, जिन्होंने रोज बकरे खाने हैं, जिन्होंने रोज अंडे खाने, जिन्होंने दारू पीना और जिन्होंने तम्बाकू खाना, वो दिल मुर्दा है, वो सुन भी नहीं सकता पहचान भी नहीं सकता। ऐसे समय में मेरते से भेजे पैगंबर राजा जसवंत सिंह को जगाने के लिए गोवर्धन दास को भेजा था, बहुत प्रयास किया पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। राठौर जसवंत सिंह से जाए कहो खबर, जाके खबर दी किसने, गोवर्धन दास जी ने। जब उन पे पैगाम गया सुनिया नहीं कान से, सुना ही नहीं, वो दुनिया में मगन राजा था, उसको आत्म की कोई चिंता ही नहीं थी। आजूज माजूज जो मारिया, अब आजूज माजूज दिन और रात, ये भी जो दुनिया इसमें भूली थी सब इसके भी भेद जाहिर कर दिए। बिना देखे ईमान देखे बिना, चलो चलते जो चलते, हाँ चलिए तो थोड़ा सा चला दिल्ली शहर में। हाँ जब फिर दिल्ली में आए तब भाई सामी शरीयत सामने शरीयत हुई, लड़े उसको भी जीता। अब फिर उदयपुर गए, फिर वहां विघ्न पड़ा उसको भी जीता, वो विघ्न मोमनों ने मुकंदास नहीं डाला। और उसके बाद मंदसौर गए,
तो कितने बड़े भारी संकट आ गए। फकीर बन के 8 महीने तक भिक्षा मांग करके काटी, लेकिन श्री जी साथ रह के छोड़ दिए, चरणों में रखा कि नहीं रखा। उसके बाद औरंगाबाद भी गए, इतने संकट आए, चरणों में लेके आराम से आकोट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। भेजा संदेशा खुदा ने, और खुदा ने मैं दे वो जो भाई आ गया। हाँ। अब संदेशा क्या आया, बनी इसराइल करो याद। स्वामी जी कहते बनी इसराइल, ये कुरान का एक प्रसंग है, इसको याद करो फिर तुम्हें सारी बातें याद रहेंगी। तुम्हें पीछे खबर है फिर उनकी, फिर हैरून और फेरून का ये प्रसंग छत्रसाल जी के दरबार में आएगा, क्योंकि आज समय हो गया, याद रखना अवश्य सुना देंगे। तुम्हें खबर है दही बुनियाद है, और सारी असल की बुनियाद है उसमें। तुम दही तुमको मैं कुल जमा, दही मैं तुमको तारतम सागर ने। स्वामी जी के असल स्वरूप और वाणी को बिगाड़ने पर कई लोग कमर कस चुके हैं। अगर राज्य पर यकीन है सुंदर साहब जी, तो हमने वाणी से उनका मुकाबला करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने ईमान पर खड़े रहना, यही हमारा मुकाबला है। उन्होंने स्वरूप साहब का कुलजम स्वरूप का नाम भी बदल दिया, क्या रख दिया, तारतम साहब, जो अब टीका हुआ है। मैंने देखा है जो कुछ उन्होंने किया, ठीक है करने दो, उसकी सजा वही भुगतने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं मैंने तुमको कुल जम, कुल की जमा, जिसमें सब के ज्ञान का सार है, रात से लेके क्यामत नामे तक, हिंदुओं का ज्ञान है, परमधाम का ज्ञान है, सागर है, श्रृंगार है, खिलवत है, परिक्रमा, और उसके बाद सारा मोहम्मद साहब कुरान का भी सार, कुल की जमा है, सब दुनिया के ग्रंथों का सार जमा है। इनको किया गर्क और बाकियों को गर्क कर दिया, सब उनकी शक्ति नष्ट कर दी है। पढ़ो मेरे कलाम को, पढ़ो मेरे, मेरे कौन कह रहा है, वो है वो जो अक्षरातीत खुद है, वही तो कह रहा है मेरी वाणी को तुम पढ़ो। किसी ने कहा मेरी वाणी को पढ़ो, स्वामी जी कहते हैं मैं वही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हूँ, मेरी वाणी को पढ़ो तुम, भागे सारी शक, तो सब तुम्हारे संशय मिट जाएंगे, और तुम खाली मन के पे ही कहते रहो ये सत्यवाणी मत के, तो चाल से नहीं। इतने दिन तक माला पे फिर है, अमल का माला थक गई होगी उसे रख दो, अब स्वरूप साहब खोल के जरा प्रैक्टिकल पढ़ना शुरू करो। श्री मामत करे मोमिनो, आप धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी, शुक्राना ले आओ बजाए शुक्राना। हमारे पास कोई वस्तु नहीं है जो राज्य महाराज के चरणों में रख सके, बार बार लाख लाख बार उनकी मेहर का शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो। दज्जाल सो लड़ाई, और दज्जाल सो कितनी लड़ाई हुई, दिल्ली में हुई, उदयपुर में हुई, और मंदसौर में हुई, और उसके बाद औरंगाबाद हुई, ब्रिज में हुई, सब हुई, पर तुम्हें कैसे चरणों के तले बिठा लिया, और क्यों कर लिए बचाए, और ऐ सुंदर साहब जी तुम्हें किस तरह से बचा के लेके आए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों श्री मामति कहे मोमिनो, श्री मामति कहे शुकराना ल्याओ बजाए, शुकराना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और